हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे खुशी है कि आपने प्री बोर्ड पेपर दिया। कुछ ने नहीं दिया, बाद में देंगे, तो वो वीडियो सॉल्यूशन बाद में ही देखें जब आप एक बार के लिए पेपर पूरा सॉल्व कर लें। ये जो प्री बोर्ड सेकेंड प्री बोर्ड है उसका मैं सॉल्यूशन आपको भेज रहा हूँ। इस सॉल्यूशन में जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके अंदर प्री बोर्ड के अंदर, उनको अपन डिस्कस करेंगे, और जो एक से लेकर 20 तक के छोटे सवाल हैं उनके आंसर क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो पेपर जो है उसका पहला सवाल जो है, ये सवाल आप देखेंगे तो मुख्यतः आपकी बुक के सवाल हैं, है ना। देखिए, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक और अभिनेत्र लेंस की क्षमता, मतलब लेंस शक्ति, 5 तथा 20 डायऑप्टर है। देखो क्या बोल रहा है, खगोलीय दूरदर्शी के बारे में बात कर रहा है वो। तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए आपको बोल रहा है अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस के लिए क्षमता। तो अभिदृश्यक के लिए एफ नॉट होती है और उसकी क्षमता होगी पी नॉट, लेंस शक्ति पी नॉट होगी, और वो कितनी है, 5 डायप्टर है। जबकि जो अभिनेत्र लेंस होता है या नेत्रिका लेंस होता है उसके लिए एफ ई हम फोकस दूरी लिखते हैं, तो उसके लिए पी ई लिखा जाएगा लेंस क्षमता, और वो कितनी है, 20 डायप्टर है। ठीक, इनमें प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक बात है। हमने वैसे भी दूरदर्शी की कार्यप्रणाली अनंत के लिए पढ़ रखी है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, देखिए दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, अगर आपको याद हो तो, एम नॉट डिवाइडेड बाय, सॉरी एफ नॉट, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई, ये हमने पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो। और अगर मैं एफ नॉट को सॉल्व करता हूं तो मैं लिख सकता हूं 1/P0, मतलब पी नॉट नीचे आ जाएगा। एफ ई को लिख सकते हैं 1/PE, पी ई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। पी ई की वैल्यू कितनी है, 20 है। पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ये मान कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। तो एम की वैल्यू कितनी है, 4 है, और मात्रक हीन होता है आप सभी को पता है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 मतलब ए ऑप्शन आएगा, पहले का कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 6 डायप्टर शक्ति वाला उत्तल लेंस माइनस के 4 डायप्टर शक्ति वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, एक लेंस जिसकी शक्ति कितनी है, 6 डायप्टर है, प्लस का 6 डायप्टर, और दूसरे की शक्ति कितनी है, माइनस का 4 डायप्टर है। ठीक, और उन्हें क्या रखा गया है, संपर्क में रखा गया है, तो बोल रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी और प्रकृति क्या होगी। तो पहले तो तुल्य शक्ति निकालो, क्या हो जाएगा, P1 + P2। ठीक है, कितना आएगा, जोड़ो इनको, मेरे हिसाब से प्लस का 2 डायप्टर आएगा। ठीक है, अगर ये पी आ चुका है तो एफ क्या होगा, 1/P होगा, 1/P मतलब 1/1/2, और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि ये जो डायप्टर है वो मीटर इनवर्स होता है। ठीक, और 1/2 मीटर मतलब 0.5 मीटर, जिसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पता चल गई, चूंकि फोकस दूरी प्लस की है या माइनस की, प्लस की है, तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा होगा, उत्तल होगा, अभिसारी लेंस, है ना। अगर माइनस की आती तो हम अपसारी बोलते, मतलब अवतल लेंस बोलते। तो ध्यान में रखिएगा, उत्तल और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन जो है वो परफेक्ट बैठ रहा है, तो इसका बी आएगा। तीसरा सवाल, ये आपकी बुक का सवाल है लेकिन इसका सॉल्यूशन NCERT बुक में दे रखा है, मतलब वहाँ एक पर्टिकुलर लाइन लिखी हुई है। मेरे हिसाब से आपकी बुक में भी इसका आंसर थोड़ा सा गलती ही है। चलो सवाल देखते हैं। एक यंग के द्विस्लिट प्रयोग में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रयुक्त किया गया है, पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों का आकार होगा। अगर आपको याद हो तो बच्चों, मैंने जो डेरिवेशन करवा रखा है वो व्यतिकरण फ्रिंजें कैसी थी, रेखीय थी। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम बोलते हैं कि दूरी जो है, किसके बीच की दूरी, जो प्रकाश होता है ना S1 और S2, उनके बीच की दूरी एक लिमिटेड दूरी है। जबकि अगर व्यतिकरण वास्तविकता में हमें देखना है तो हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत S1 और S2 के मध्य की दूरी जो कि small d होती है वो बहुत कम होनी चाहिए, किसकी तुलना में, D की तुलना में। ये बात ध्यान में रखना, अगर d का मान D की तुलना में बहुत कम होगा तो फिर बनने वाली फ्रिंजों का आकार कैसा होगा बच्चों, अति परवलय, कैसा होगा, अति परवलय। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, और यही है व्यतिकरण में हम यही काम करते हैं कि डी का मान जो है वो बहुत कम होना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में, तभी जाके व्यतिकरण अच्छा होता है। ठीक है, तो फ्रिंजों का आकार कैसा है, अति परवलय। ठीक है,
ध्यान में रखिएगा, बुक में शायद परवलय दे रखा है, इसे अति परवलय कर लीजिएगा और एन से एआरटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये बात और ध्यान में रखना। वहाँ जो लिखा हुआ है वो वैसे भी परम सत्य ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करके बनाई है वो बुक। हाँ भाई, फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है, वन आपके बुक का क्वेश्चन है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन के लिए क्या बोल रहा है, एक धातु से हरे रंग के प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, मतलब प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। निम्न रंगों के समूह में से किस रंग के लिए प्रकाश के कारण, किस रंग के समूह के प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है। तो देखिए, यहाँ पे हरा रंग दे रखा है और कॉन्सेप्ट विबग्योर का है, किसका है, VIBGYOR, और आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर नीचे की ओर चलेंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी और अगर ऊपर की ओर चलेंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है, और अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, हरे रंग के लिए, ग्रीन रंग के लिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, तो मतलब ग्रीन रंग क्या है, दहली आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति है, दहली आवृत्ति है, इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। तो इससे कम आवृत्ति वाले, इससे कम आवृत्ति वाले कौन, ये तीन, इनके लिए प्रकाश का, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। सिंपल से बात है, जैसे दहली आवृत्ति से आवृत्ति क्या होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे इनके कारण प्रकाशिक उत्सर्जन नहीं होगा। लेकिन इससे अधिक आवृत्ति, इससे अधिक आवृत्ति, एक दो आवृत्ति, इनके लिए प्रकाशिक उत्सर्जन होगा। तो हमें क्या पता चलना चाहिए, बैंगनी के लिए, आसमानी के लिए और नीले के लिए। ठीक है, जिस ऑप्शन में बैंगनी, आसमानी और नीला है, उनसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक उत्सर्जन होगा, ध्यान में रख लीजिएगा, ये बना लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखेंगे, बैंगनी, नीला और आसमानी, द ऑप्शन था बैंगनी, नीला और आसमानी, बैंगनी, नीला और आसमानी। ठीक है, पांचवा देखिए, किसी हाइड्रोजन परमाणु को, सॉरी परमाणु जो ऊर्जा स्तर n बराबर 4 तक उत्तेजित किया गया है द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होती है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। n क्या, उत्तेजित ऊर्जा स्तर, कितना मान है, 4, 4 माइनस 1 बटा 2, भाग लगाओ 2 आएगा, गुणा करोगे किससे, 3 से, कितना आएगा, 6। 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं हमें क्या होंगी, प्राप्त होंगी। तो सॉल्यूशन में कितना लिखना है, 6 लिखना है। फिर छठा, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्या भाई, द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती। ये बात ध्यान में रखो, नाभिक में एक ऐसी क्वांटिटी है जो निर्भर नहीं करती द्रव्यमान संख्या पर, ए पर, कौन सी है बच्चों, घनत्व। कौन सी है, घनत्व। ये एक अच्छा खासा 2 नंबर का सवाल भी आ चुका है बोर्ड में कि सिद्ध कीजिए कि घनत्व को परिवर्तित, सॉरी, घनत्व जो है किसी नाभिक का वो क्या होता है, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। ये मैंने करवा भी रखा है, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो। ठीक है, तो घनत्व इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, घनत्व, नाभिक का घनत्व जो है वो द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता। सातवां, ये मैं आपको करवा चुका हूं और बच्चों ने इसे सही भी किया है। देखिए, कुछ ऐसा सवाल है ये, और इसमें बोल रहा है कि बुलिये समीकरण लिखना है। यहाँ पर सिग्नल ए आ रहा है, ये बी आ रहा है, बुलिये समीकरण वाई, देखो, तो ए नॉट गेट से गुजरा, क्या हो जाएगा, ए बार। ये कौन सा गेट है, और गेट, कौन सा गेट है, और गेट। और गेट क्या करता है, जोड़ने का काम, जो सिग्नल आया उसे जोड़ दो। तो ए बार आ रहा है, तो ए बार को किसके साथ में, बी के साथ में, तो ए बार प्लस बी। ऑप्शन देखिए, ए बार प्लस बी, सी ऑप्शन, कौन सा है, सी ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही होगा इसका। फिर आगे देखिए, आठवा क्या बोल रहा है, किसी ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार परिपथ में धारा प्रवर्धन गुणांक, देखो उभयनिष्ठ आधार परिपथ है, उभयनिष्ठ आधार में होता है अल्फा, जबकि उभयनिष्ठ उत्सर्जक में होता है बीटा, और अल्फा का मान कितना दे रखा है, 0.95 दे रखा है, मात्रक तो आएगा ही नहीं।
उत्सर्जक धारा 2 मिली एम्पियर है, आई ई का मान कितना है 2 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आधार धारा ज्ञात करो, बहुत सिंपल है। देखो अल्फा दिया हुआ है, आई ई दिया हुआ है, आई सी निकल सकता है। कैसे? अल्फा इज इक्वल्स टू होता है आई सी बटा आई ई, ठीक है। तो आई सी बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा आई ई, यही होगा। अल्फा का मान कितना 0.95 को गुणा करो 2 मिली एम्पियर से, कितना आएगा 1.9 मिली एम्पियर, ये आई सी का मान। तो आई बी क्या होगा, सीधी सी बात है, आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी होता है। तो आई बी बराबर क्या हो जाएगा, आई ई में से आई सी को घटा दो, तो 2 में से 1.9 मिली एम्पियर अगर घटाओगे तो कितना आएगा 0.1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 0.1 मिली एम्पियर इसका क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। ये एक अच्छा सवाल है, बोर्ड में आने लायक सवाल है। ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन इसका एक्यूरेट है। कौन सा है, ए ऑप्शन है, हटा दो इसे। एक बच्ची है प्रिया जांगिड़, उसकी कॉपी वाकई में बहुत बढ़िया है, उदयपुर से है वो, और काम करने का तरीका वाकई में बहुत बढ़िया है। कुछ छोटी छोटी सी गलतियां वो कर देती हैं, लेकिन उनकी कॉपी बहुत अच्छी है। 9th कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से। यदि ई सदिश तथा बी सदिश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिश हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण किसके अनुदिश होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण क्या होता है, ई क्रॉस बी के अनुदिश होगा। ये मैंने करवा रखा है आपको, है ना। तो ये सी आएगा बच्चों, आप सभी को पता भी होगा। ये 10वां क्या बोल रहा है, एक टीवी प्रसारण टावर की ऊंचाई एच है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है, तब टीवी प्रसारण द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा, 2πRH। वीडियो देखो आपको पता चलेगा 2πRH होगा। मैंने कम्युनिकेशन में ये चीज करवा रखी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। सी ऑप्शन है इसका, परफेक्ट है ये, है ना। हाँ भाई, 11वां सवाल देखिए, अभी एक एक लाइन के सवाल आ चुके। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए आयन मंडल का अपवर्तनांक, आयन मंडल का अपवर्तनांक पर पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो वो किसके अपवर्तनांक की बात कर रहा है, आयन मंडल के अपवर्तनांक की बात कर रहा है, किसके साथ में, पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ में। कुल मिलाकर के बोल ऐसा रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा समझिए। वैसे भी हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायु का घनत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है, माध्यम विरल होता जाता है, अपवर्तनांक घटता जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा, अपवर्तनांक घटेगा, ठीक। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व पूछा जाए, किसका घनत्व, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व या आयनों का घनत्व पूछा जाए, तो आयनों का घनत्व बढ़ता है आयन मंडल में, ठीक है। आयनों का घनत्व बढ़ता है और अपवर्तनांक की बात करें तो वो घटेगा। ओके, 12वां देखिए, संधि डायोड में विसरण धारा की दिशा क्या होती है, पी से एन, कहां से कहां की ओर, विसरण धारा पी से एन होती है। क्यों, क्योंकि विसरण धारा जब हम बात करते हैं उस समय हमने मिक्स ही किया होता है, ठीक है, बैटरी को लगाया नहीं है, विसरण धारा जो है वो शुरुआत वाली पहली वाली धारा है, और विसरण धारा के बाद में कौन सी धारा बहने लग जाती है, हम बोलते हैं अपवहन धारा या अपवाह धारा। कब, जब संधि तल बन जाता है, विद्युत क्षेत्र बन जाता है, विद्युत क्षेत्र बनने से पहले विसरण धारा बहती है पी से एन की ओर, और ये सवाल आ सकता है, अच्छा सवाल है। 13वां देखें, नेज अर्धचालकों हेतु मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या का घनत्व का अनुपात क्या होगा। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या का घनत्व कितना, 1:1, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। 14th क्या बोल रहा है, परमाणु भट्टी में बोरॉन तथा कैडमियम की छड़ों का उपयोग क्यों किया जाता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। किसके लिए, कौन सी अभिक्रिया को नियंत्रित करेंगे, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित
करने हेतु, ठीक है, ओके। हाँ, अगला 15th देखिए, क्या बोल रहा है, द्रव्यमान क्षति तथा नाभिक के बंधन ऊर्जा में क्या संबंध है। देखिए हम लिखते हैं नाभिक के बंधन ऊर्जा EB इज इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर, और डेल एम क्या है, द्रव्यमान क्षति है, ठीक। तो द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला भी लिखो, क्या होता है, Z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, है ना, प्रोटोनों का कुल द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, और इसमें से नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान क्या हो जाना चाहिए, घटा दिया जाना चाहिए, कैपिटल एम को घटा दो और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर से, ये आगे चला गया शायद, ठीक है। मैं यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो, ये है जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस कैपिटल एम और मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर से, ठीक है। यहां कैपिटल एम क्या है, मूल या फिर वास्तविक द्रव्यमान है। हाँ, आगे देखिए 16th, ये एक अच्छा सवाल था। हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान एच बटा पाई है, कोणीय संवेग कितना है, एच बटा पाई है, तो कौन सी कक्षा में स्थित होगा, या इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में स्थित होगा, तो एल की वैल्यू क्या होती है, तो हमने बोला एन एच अपॉन टू पाई होती है कोणीय संवेग, बराबर कितना दे रखा है, एच बटा पाई, एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो एन बटा दो बराबर एक, तो एन का मान किसके बराबर, दो, दूसरी कक्षा में होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर। हाँ भाई, कार्यफलन को परिभाषित कीजिए, आप सभी अच्छे से कर सकते हैं, क्या भाई, वह न्यूनतम ऊर्जा है ना, किसी धातु सतह है तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को धातु सतह से मुक्त कराने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, या इलेक्ट्रॉनों के प्रकाशिक उत्सर्जन हेतु आवश्यक होती है, क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। इसका मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा जूल है। फिर फॉर्मूला लिख दो ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ फॉर्मूला लिखो, फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, ये आपने फॉर्मूला लिख दिया, आपने ऐसा इंप्रेशन छोड़ दिया कि आप बोल ही नहीं सकता, वो नंबर काटेगा आपके कभी। हाँ भाई, चांदी का कार्य फलन कितना है, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चलो ठीक बात है। यदि दो फोटोन जिनमें से प्रत्येक की ऊर्जा कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दो फोटोन और हर एक की ऊर्जा कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पृष्ठ पर आपतित तो होते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक उत्सर्जन होगा। देखो ये सवाल लॉजिकल है और कॉन्सेप्चुअल सवाल है बच्चों, देखो क्या बोल रहा है, वो धातु सतह और धातु सतह का कार्यफलन है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, दो फोटोन आए कितने कितने के, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो क्या इन फोटोनों से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। आंसर है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, एक फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आने वाले समस्त फोटोनों की कुल ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा हो, नहीं भैया, आप तो बोलोगे 1000 फोटोन आ रहे हैं और 1000 फोटोनों के जो ऊर्जा है वो 3.2 से ज्यादा है, नहीं भैया ऐसा नहीं, एक फोटोन की ऊर्जा ही किससे ज्यादा होनी चाहिए, 3.2 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर एक फोटोन की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है तो भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। यहाँ पे तो बोल रहा है क्या, दोनों फोटोन 2 और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हैं, ठीक है, तो इनसे क्या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, नहीं भैया नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी ऊर्जा इसके कार्यफलन से कम है, ठीक है, नहीं होगा, क्यों, लिख लीजिएगा, आपतित फोटोन की ऊर्जा इज लेस देन कार्यफलन, बच्चे क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं, 2 और 2 4 तो टोटल लेते हैं, नहीं भैया एक फोटोन की, देखो एक फोटोन की ऊर्जा किससे ज्यादा होनी चाहिए, कार्यफलन से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो हमने बोला इज लेस देन फाई नॉट, इसका मतलब है उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऐसे जोड़ना नहीं है आपको, जोड़ना गलत हो जाएगा। 19वां देखिए, लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए, किसी भी लेंस द्वारा आपतित प्रकाशिक पुंज को अभिसारित अथवा अपसारित करने की क्षमता ही लेंस शक्ति कहलाती है, परिभाषा तो देखा जाए यही है, यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होती है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है, डी लिख दीजिएगा, मात्रक पूछा है शायद, सूत्र लिखिए, सूत्र पूछा है, ओके,
तो सूत्र लिख दिया हमने। तरंगाग्र पर स्थित किन दो बिंदुओं के मध्य कलांतर, अरे भैया तरंगाग्र पर जितने भी बिंदु होते हैं वो समान कला में कंपन करते हैं, और अगर समान कला में कंपन करते हैं तो कलांतर कितना होगा? शून्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है? देखिए लेंस की फोकस दूरी 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन या म्यू टू वन माइनस वन, 1/r1 - 1/r2। यहाँ से आप बताएंगे कि लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आप बोलेंगे कि लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, दूसरा लेंस जिन वक्र तलों से बना हुआ है उन वक्र तलों की वक्रता त्रिज्याओं पर, ठीक है, दो पर निर्भर हो जाएगी। किसी लेंस को म्यू अपवर्तनांक के द्रव में रखने पर फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? फोकस दूरी बढ़ती है। ठीक है, कोई से भी द्रव में रख दो फोकस दूरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ध्यान रखना, ये बता रखा है मैंने, अच्छे से तैयार करें इस चीज को। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? आप सभी को पता है कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से टकराता है तो वह अवरोधक की ज्यामितीय छायांकित भाग में प्रवेश करता है। इस प्रकार प्रकाश के तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाने को ही क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। फिर ध्वनि का विवर्तन आसानी से होता है जबकि प्रकाश का विवर्तन आसानी से नहीं होता। क्यों? क्योंकि ध्वनि की तरंग दैर्ध्य उपस्थित या दैनिक जीवन में उपस्थित अवरोधकों के आकार के तुल्य होती है, जबकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अवरोधकों के आकार से बहुत कम होती है। ठीक है, ध्यान में रखिए। फिर ये तो कर लोगे, नाभिक के विखंडन श्रृंखला विक्रिय तो कर ही लोगे। हाँ, ये बी ऑप्शन देखिए 25वें का। हाँ, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला तो कर लीजिएगा बच्चों, H अपॉन P इज इक्वल्स टू लैम्डा होता है, यहाँ तक करके आना था ये, और ये सवाल आने लायक है, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन वो आगे के हटा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि डी ब्रोगली को ही हटा दिया देवता ने, डी ब्रोगली नहीं हटाया बच्चों। हाँ भाई, 25वां सवाल बता रहा हूँ, 25वें का भी, हालांकि ये बताना नहीं चाहिए क्योंकि मैं ये सवाल अच्छे से करवा चुका हूँ वहाँ चैप्टर में। यहाँ पे 10 वोल्ट दे रखा है और यहाँ पे 5 वोल्ट दे रखा है और पूछ रहा है कि अग्र अभिनत है या पश्च अभिनत। तो देखो, n भाग को उच्च विभव दिया हुआ है और ज्यादा, कंपैरेटिवली ज्यादा, जबकि p भाग को भी है तो विभव पॉजिटिव लेकिन इसके कंपेरिजन में निम्न है। ठीक, तो हम बोलेंगे ये कौन सा पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत है भैया, एन भाग को कम विभव देना चाहिए, पी भाग को अधिक विभव देना चाहिए। ठीक है, संचार तंत्र में मॉडुलन की आवश्यकता, प्लीज वीडियो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, 3 पॉइंट बताए थे, संचार तंत्र का ब्लॉक डायग्राम भी अच्छे से बता रखा है, आयाम मॉडुलन इसका अभिग्रहण। 27वें का अथवा वाला सवाल देखिए, इस तरीके का मैंने अभी आपको शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया था, ये आप देखेंगे तो इस चैप्टर में मैंने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस का रिपीटेटिव सीन देखा है, मतलब जैसे लेंस शक्ति है, लेंस शक्ति के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए, क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि लेंस शक्ति आने लायक है। अब मैं आगे वाले पेपर में भूल नहीं जाऊं लेंस शक्ति को देना, इसलिए मैंने इस पेपर में उन लेंस शक्ति वाले क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया जो कि संभव है आने के लिए। ठीक है, हाँ भाई देखिए, तो 27वां इस ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल दिखा बता रहा हूँ मैं आपको। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में, उभयनिष्ठ आधार विन्यास है, किसी ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन 0.99 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.99। ठीक बात है, इसकी उत्सर्जक धारा, उत्सर्जक धारा कौन सी? IE कितनी दे रखी है बच्चों? 5 mA है। ठीक, तो संग्राहक धारा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, उत्सर्जक धारा में परिवर्तन है, डेल आई परिवर्तन बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है? संग्राहक धारा में परिवर्तन IC और आधार धारा में परिवर्तन डेल आई भी। बताओ भाई, कैलकुलेट होगा नहीं होगा? होगा भैया, क्यों नहीं होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही किया था क्या भाई? अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? IC बटा IE, यही तो बताया था। यहाँ पे डेल लगा दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू कितनी? 0.99 बराबर होगा, आईसी तो निकालना है और ये कितना है? 5 mA मल्टीप्लाई कर दो तो डेल आईसी बराबर हो गया 0.99 × 5 mA कितना भाई? 9 × 45 = 4 9 × 45 = 45 और 4 = 4 9
मिली एम्पियर। पता चल गया डेल आई सी का मान, पता चला। अगर ये डेल आई सी है तो फिर आई बी क्या होगा, तो हमने बोला आई ई इज इक्वल्स टू होता है आई बी प्लस आई सी। तो यहां पर सभी के साथ में डेल लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई बी या डेल आई बी बराबर क्या होगा, आई ई में से किसको घटा दो, आई सी को, ये मान दिए हुए हैं, है ना। डेल आई ई दिया हुआ है, डेल आई सी हमने निकाला 0.05 मिली एम्पियर आएगा। प्लीज कर लीजिएगा, सवाल अच्छा है। 28वां सवाल देखिए, 28वां सवाल एक न्यूमेरिकल है, इसका एक भाग न्यूमेरिकल है। रदरफोर्ड मॉडल की कोई दो कमियां लिखिए। आप सभी को लिख सकते हैं कि स्थायित्व को नहीं समझा सका, स्पेक्ट्रम को भी वो अच्छे से नहीं समझा पाया। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, जबकि वास्तविकता में वो रेखीय होता है। हाँ, ये देखिए, 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक अल्फा कण जो कि स्वर्ण नाभिक से प्रकीर्णित तो हो रहा है के लिए निकटतम पहुंच की दूरी ज्ञात करनी है। जेड की वैल्यू आपको दे रखी है 79 और अधिकतम ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है इस सवाल में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए काइनेटिक एनर्जी यहां पर कैसे देखी जाएगी, तो हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, तो हमने बोला के जो कि 9×10⁻⁹ है, Q1 जो कि ZE है, Q2 जो कि अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का प्रकीर्णन बोल रहा है ना वो, हाँ, जो कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। देखो Q1 क्या है, नाभिक का आवेश, Q2 क्या है, अल्फा पार्टिकल का आवेश, तो 2E लिखोगे आप, है ना, डिवाइडेड बाय निकटतम पहुंच की दूरी R0, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R होता है वैसे भी हमें पता है, और ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो R0 बराबर क्या हो जाएगा, के ZE² और 2 यहां पर आगे लगा दो, बटा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, के से के काट देना, रे होशियार की पूछ रही हूँ, ये काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा पता चले काट दो तुम, 9×10⁻⁹ क्या, 9, 2 ऐसा का ऐसा, Z का मान 79, E का मान 1.6×10⁻⁹-19, वापस से लिख लीजिएगा, है ना, स्क्वायर है ये, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2.5 मेगा होता है 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन 1.6×10⁻⁹-19। ये सॉल्व कर लीजिएगा, मात्रक में मीटर लगा दीजिएगा प्लीज, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, है ना, आ जाएगा रे, इजी है। हाँ, कैलकुलेशन करते टाइम रफ के अंदर 79 को 80 कर लेना, अगले को नहीं पता चलेगा, रफ में कर रहे हो ना, इसलिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 16×5 नहीं तो कट ही जाएगा वैसे भी, नहीं तो फिर 79 से कर लेना। हाँ, 29वां अगर आप देखोगे तो बी वाला, ये वाला सवाल तो मैंने करवाया, 28वें का अगर आप बी देखेंगे, ये सवाल मैंने बहुत अच्छे से करवाया है आप लोगों को। 29वें सवाल का बी ऑप्शन देखो, तरंग धैर्य 4000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन के लिए ऊर्जा ज्ञात करो। भाई ऊर्जा बराबर क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू क्या, hc/λ, और लैम्डा का मान 4000 एंगस्ट्रॉम है। बस यहाँ पर गलती क्या होती है, 4000 तो लिख देते हैं, एंगस्ट्रॉन्ग नहीं लिखते, एंगस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻, ये मान आएगा लैम्डा का बच्चों, ठीक है। सी का मान आप सभी को पता ही है, 3×10⁸ है, और एच का मान 6.62×10⁻³⁴ जूल सेकंड है। हाँ भाई, आगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किसी प्रयोग में 200 नैनोमीटर का प्रकाश लिथियम धातु फाइनोड बराबर आपतित पर होता है, तो क्या ज्ञात करना है। देखिए सवाल बड़ा हो सकता है शायद, मेरे को पता नहीं, लेकिन सवाल है बहुत इजी। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक बहुत इजी चैप्टर है, इजी गोइंग चैप्टर है। न्यूमेरिकल आया तो भी फायदे का सौदा, थ्योरी आया तो भी फायदे का सौदा। देखिए क्या बोल रहा है, कितना तरंग धैर्य का प्रकाश आ रहा है, ये सवाल जो है वो 29वां, ये इसका दूसरा पार्ट है। 200 नैनो 10⁻⁹⁹ मीटर, ठीक है, और फाइनॉट का मान कितना दे रखा है आपको, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक बात है। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर निरोधी विभव और गतिज ऊर्जा पूछे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ज्ञात करो, ज्यादा बेहतर है। तो लैम्डा दे रखा है, सबसे पहले ई निकालो, hc/λ से, ठीक है, बात समझना। एच कितना, 6.62×10⁻⁹
34 सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8, मैं यहाँ पे 2 नहीं लगाया हूँ, आप लगा लीजिएगा। लैम्डा का मान कितना, 200 गुणा 10 की घात माइनस 9 बच्चों। फिर सॉल्व कीजिए इस चीज को, तो ये हो जाएगा 6.62, इसको 2 से काट ही दो ना, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 3.31 आएगा, गुणा 10 की घात देखिए 34 और 8 मतलब कम हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 26, 10 की घात माइनस 26 और 10 की घात नीचे माइनस का 9, कितना बैठेगा रे बच्चों देखो एक बार के लिए, तो 6 घटाओ 20 हो जाएगा, 3 घटाओ 17 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊर्जा का मान है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करोगे, एक बार के लिए देख लीजिएगा 26, फिर 26 का 6 और 3, सही कर रहा हूं मैं, हाँ। और मैंने 2 का ही भाग लगाया, नीचे 100 और है, ठीक। अगर मैं इस 100 को और देखता हूं तो यहां पे हो जाएगा 10 की घात माइनस 19, 100 तो समझ गए ना कहां से आया, 200 का 100 भी तो रह गया, ठीक। ये आ गया जूल में, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे, 3.31 गुणा 10 की घात माइनस 19 में भाग लगाओ किसका, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट। भैया ये तो कट गया, देखो भाई कितना आएगा, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये तो कम आ रहा है, करके देखते हैं। चलिए 16 × 32 एक रह गया है ना, तो 11 में तो जाएगा नहीं, तो ये हो गया 110, 110 में 16 का भाग लगाया तो 16 × 5 = 80, 16 × 96, 16 × 96, और 16 को 17 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 42 = 4, 112, चलो ये तो ज़्यादा हो गया ना, तो ये हो गया 16 × 96, 6 से कितना आया, 1। मैं रुक गया क्योंकि मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरा बच्चा जा गया है, फिर कितना बच रहा है, 1 और 0 लगा दूँ यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा 16 से ना, 7 से भी नहीं, 8 से, 8 से ही जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E का मान आ चुका है, E का मान ये रहा, फाई नॉट का मान 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बताओ भाई गतिज ऊर्जा निकलेगी नहीं निकलेगी, E इज इक्वल टू क्या होता है, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, होता ही नहीं होता, तो के E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस फाई नॉट होगा, नहीं होगा। E का मान कितना, ये 2.68 माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। ये आ गया तो आसानी से क्या निकालोगे, निरोधी विभव, क्यों, क्योंकि वो ई वी नॉट होता है, सॉल्व होगा, और बहुत सिंपल सवाल था बच्चों देखा जाए तो। 30वां सवाल देखिए, और इसके बाद तो मेरे हिसाब से मैंने कोई न्यूमेरिकल ऐसा दिया ही नहीं। तीसरे सवाल में जो दूसरा पार्ट है, यंग द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण फिंजों के आयामों का अनुपात, देखो व्यतिकारी तरंगों का लिखा हुआ है, व्यतिकारी मतलब व्यतिकरण करने वाली तरंगों के आयामों का अनुपात, A1/A2 बराबर कितना है, 3/2 या 3:2 है। चमकीली और काली फ्रिंजों के लिए ज्ञात कीजिए उनके आयामों का अनुपात और तीव्रताओं का अनुपात, गौर कीजिए, चमकीली फ्रिंज होती है आर मैक्सिमम या ए मैक्सिमम, और काली होती है आर मिनिमम या ए मिनिमम, ठीक है, और वो क्या होती है, आंसर है A1 + A2 / A1 - A2, ऐसा ही होगा। चलिए अगर ऐसा सीन है बच्चों, तो यहां से आप काम करो ना, A1 का मान निकाल लो, A1 का मान कितना हो जाएगा, आंसर है A1 = 3/2 A2, और ऐसा ही करें, ऐसा ही करें, यही सुविधाजनक होगा, A1 का मान 3/2 A2 और A2 ऐसा का ऐसा डिवाइडेड बाय A1 का मान 3/2 A2 - A2, ये कितना हो जाएगा, 5/2, और ये हो जाएगा 1/2 A2, 2 से 2 गया, A2 से A2 गया 5/1, ठीक है, ये आएगा क्या, R मैक्सिमम बटा R मिनिमम, ठीक है, बात समझ में आई। अगर ऐसा है तो फिर इसका स्क्वायर कितना होगा, 25:1, वो क्या होगा, I मैक्सिमम और आई मिनिमम, ठीक है, इस तरीके से ये काम
किया जाएगा। हाँ भाई, इसके अलावा मैंने आपको ऐसा कोई सवाल दिया नहीं है। अगर आप देखेंगे 33वां सवाल, तो 33वें में निवेशी संकेत पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, निवेशी संकेत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो निर्गत की आवृत्ति पूछा है, जस्ट डबल हो जाती है, मतलब 100 हर्ट्ज हो जाएगी, ये आएगा। और कोई सवाल नहीं। हाँ, एक और सवाल है, विभव प्राचीर का मान, अगर आप 33वें में लास्ट के अंदर देखेंगे, पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर का औसत मान, विभव प्राचीर वीडी का औसत मान कितना है, 0.1 वोल्ट, और क्षेत्र संधि पर विद्युत क्षेत्र कितना है, 10 की घात कितना, 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो संधि के लिए अक्ष प्रत की मोटाई डी, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वी डिवाइडेड बाई, अरे वी इज इक्वल टू ई डी होता है, नहीं होता, तो वी बाई डी कर दीजिएगा, वी का मान 0.1 और इसमें भाग लगाओ कि इसका 10 की घात 5 का, देखोगे तो वोल्ट से वोल्ट कटेगा, ऊपर तक मीटर ही आएगा, सीधी सी बात है, और ये हो जाएगा 10 की घात 6 माइनस का 6 मीटर, सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो इस सवाल मैंने आपको इजी दिए थे, ऐसे सवाल दिए हैं जो शायद आप आसानी से सॉल्व कर सकें। प्लीज़ एक एक सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि किसी में ऑप्शन दे रखे हैं तो उसका एक सवाल जो आता है वही आपने तैयार किया, नहीं बच्चों, ये पेपर के पैटर्न के लिए ठीक है, लेकिन आप कम से कम ये जो सारे सवाल दिए ना, एक बार के लिए ना अच्छे से तैयार कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा, मुझे पूरा मैं कह सकता हूँ कि इतनी मेहनत लगी है आपको, पेपर में देखने को मिलेगा कि आपका ऑलमोस्ट पेपर कवर हो चुका है। ठीक है, तो प्लीज़ 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 इन सवालों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर।